हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाने वाली हूँ, जो कि मम्मी ने सुबह सेवई का उपमा बनाया था तो उसका बहुत सारा बच चुका है, जो कि हम बच्चों ने नहीं खाया था। सो सिंस इट्स अ क्वारंटीन टाइम, वी एंड अप क्रेविंग टू ईट समथिंग रियली ऑयली और फ्राइड या फिर चटपटा। सो हियर इज़ द रेसिपी एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, सो एवरी टाइम इफ आई मेक सम न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ मैश पोटैटोज, कुछ ब्रेड के कटआउट्स, कुछ स्पाइसेस जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और नमक। यहाँ पे मेरे पास कुछ चटनियाँ भी हैं, जैसे कि इमली की चटनी, ये मम्मी ने पहले से ही बना के रख दी थी तो थी मेरे पास, धनिया चटनी, 2 टेबलस्पून ऑयल एंड 1 कप चॉप्ड अनियन, और हाँ सुबह का बेम्बिनो। तो अब हम बेम्बिनो में मैश पोटैटोज डाल देंगे और फिर अनियन भी डाल देंगे और उसमें डालेंगे तेल और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से नीट करना है ताकि ये थोड़ा डो जैसा बन जाए और ताकि सारे वेजिटेबल्स जो है वो स्टिक हो जाए। ये स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं मैंने अब, और अब मैं इसको फिर से नीट करूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी पैटी। पैटी के लिए सबसे पहले हथेली पे तेल लेना है और फिर थोड़ा सा टुकड़ा लेके उसे गोल के शेप में करके ऐसे थोड़ा बीच में से प्रेस कर देना है और ये आपकी टिक्की रेडी है। ऐसे ही मैं एक और बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर। और ये दूसरा, और ये ऐसे मैंने सारे बना लिए। अब एक फ्राइंग पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर, जब तक तेल गरम नहीं हो जाता तब तक वेट करूंगी, और तेल गरम होते ही मैं डालूंगी अपने पैटीज। और ये गया दूसरा, इसे मीडियम फ्लेम में ये पकाना है और इसे बार बार टच नहीं करना है वरना ये फिर टूट सकते हैं। और इसे मैं पकाऊंगी जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह। बस अब इसे मैं उतार रही हूँ। अब मैं इसी पैन में कुछ ब्रेड जो मैंने कट कर रखे थे उसको भी थोड़ा सा टॉस कर लूँगी। आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही टॉस कर दिया है। और ये मेरे ब्रेड्स भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब मैं भी इसे बाहर निकालूंगी।
तो अब चलते हैं प्लेटिंग के तरफ। प्लेटिंग के लिए मैं पहले 2 ब्रेड लूँगी और उसके इसमें धनिया चटनी और इमली चटनी लगा लूँगी। और फिर रखूँगी बीच में पैटी। आप इसमें टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, बट मैंने इमली की चटनी से ट्राई किया तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये धनिया चटनी और ये इमली चटनी। इसी तरह से ये तीसरा वाला भी। और ये मेरे तीनों रेडी हैं। अब मैं इसे प्लेट में लगा लूंगी और इसे थोड़ा डेकोरेट कर दूंगी। और ये मेरा बेम्बिनो पाव रेडी है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको। टिल देन, सी यू।